इसके बाद में हमारी जो अगली साथी है उन्हें आवाज देना चाहूंगी, हमारी आदरणीय मंजुल भटनागर साहिबा। आप आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, आपके हस्बैंड आर्मी में थे, आप टीचिंग जॉब में रही हैं। टीचिंग जॉब से मुझे याद आया कि एक टीचर ने अपने बच्चे को डांटा कि पिछले जन्म में शायद तू गधा होगा इसलिए अब तक मूर्ख है। बच्चे ने मुंह बना कर किया, पिछले जन्म में आप भी शायद मुर्गी होंगी, हमेशा अंडे ही देती रहती है। लेकिन मैं जानती हूँ हमारी प्यारी मंजू साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बच्चों को बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ाया है, बड़े मोहब्बत करते हैं उनके शिष्य, आज भी उनके संपर्क में है, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, जिंदगी के हर पहलू के ऊपर उन्होंने लिखा है, कम से कम 27-28 तो उनके साझा संकलन आ चुके हैं, एक उनकी खुद की किताब भी आ चुकी है कविताओं की, एक दूसरी अभी प्रकाशन के प्रोसेस में है, तो बहुत जल्दी वो भी मंजरियाम पर आ जाएगी। तो देखते हैं आज मंजुल जी हमें क्या सुनाती है उनके लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो हर मौजू को छू आई है उसके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि फूलों को तुम क्या छू आए, शाखों से भी खुशबू आए, देखे और दीवाना कर दे गोया उसको जादू आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आए मंजुल जी। मैं मंजुल भटनागर मंच को नमन करती हूँ और अपने सभी दोस्तों साथियों को का अभिनंदन करती हूँ कि वो मुझे सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पहली जो रचना है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जो किसी की याद में जब कोई खत लिखता है उसके ऊपर है। जब भी मेरी याद सताए खत लिखना, जब भी मेरी याद सताए खत लिखना, दूरी मेरी सही न जाए खत लिखना। जब भी मेरी याद सताए खत लिखना, दूरी मेरी सही न जाए खत लिखना। तन्हाई भी जब चुप जाए, तन्हाई भी जब चुप जाए खत लिखना, बारिश बदली जब घिर जाए। किरण रुपहली जब भी आंगन में उतरे, किरण रुपहली जब भी आंगन में उतरे, सतरंगी चूनर कुछ याद दिलाए, सतरंगी चूनर कुछ याद दिलाए खत लिखना। बीती यादें देर रात जब जब सताए, बीती यादें देर रात जब जब सताए, कोई आंसू मोती बन जब ढुल जाए खत लिखना। दूर गगन में कोई तारा जब टूटा हो, दूर गगन में कोई तारा जब टूटा हो, उस तारे में कोई दिख जाए खत लिखना। उस तारे में कोई दिख जाए खत लिखना। मेला लगे कहीं तो मुस्कान ओढ़ कर जाना तुम, मेला लगे कहीं तो मुस्कान ओढ़ कर जाना तुम, चटक सी मेहंदी और चूड़ियां जब दिख जाए खत लिखना। धन्यवाद आपका। अब देखिए जीवन के बारे में एक कुछ दार्शनिक सी कविता है, छोटी सी है, मैं पढ़ती हूँ। घर गांव छूटा, घर गांव छूटा रिश्ता बूटा, घर गांव छूटा रिश्ता बूटा, बड़ा शहर न जाने किसोर। घर गांव छूटा रिश्ता बूटा, बड़ा शहर न जाने किसोर, छूटी हवा छूटी पहचान, छूटी हवा छूटी पहचान, देखती रही ऊंची दुकान, छूटी हवा छूटी पहचान, देखती रही ऊंची दुकान, गांठ भरी दोपहरिया, गांठ भरी दोपहरिया लिए भटकती रही, गांठ भरी दोपहरिया लिए भटकती रही, छूट रही ठोर छूट रही ठोर, ढल गई शाम पगडंडियां सर की, ढल गई शाम पगडंडियां सर की, सूनापन छलता रहा, सूनापन छलता रहा। ढल गई शाम पगडंडियां सर की, सूनापन छलता रहा, सागर का शोर सागर का शोर, बाट जोहता कौन बाट जोहता कौन, लहरों सा जीवन चलता रहा। सागर का शोर बाट जोहता कौन, लहरों सा जीवन चलता रहा, लहरों सा जीवन चलता रहा। एक और रचना पढ़ती हूँ। आजकल पूरे सब जगह राम की बात चल रही है,
राम एक किस तरह से राम के नाम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या राम कैसे परिवेश में समाये हुए हैं उसके बारे में एक अलग भाव की कविता है। हाँ, क्या लौटेंगे मेरे प्रभु राम। राम एक शब्द नहीं एक युग है। राम एक शब्द नहीं एक युग है। राम एक सीढ़ी है सत्ता पाने की। राम एक सीढ़ी है सत्ता पाने की। राम एक गणित है वोटर को भरमाने की। राम एक गणित है वोटर को भरमाने की। राम उदास है आज। राम उदास है आज। राम का आयोजन पुरजोर है। राम का आयोजन पुरजोर है। सर्प फन उठाने लगा है। सर्प फन उठाने लगा है। एक और मर्दन फिर उस पर राजनीति। राम का उद्घोष। राम का आयोजन पुरजोर है। सर्प फन उठाने लगा है। एक और मर्दन फिर उस पर राजनीति। राम का उद्घोष। तुलसी के राम हो या वाल्मीकि के। तुलसी के राम हो या वाल्मीकि के। संशय डसता है। संशय डसता है। सच झूठ को माने या ना माने। सच झूठ को माने या ना माने। यह माने कि राम रूप है कल्याण का। यह माने कि राम रूप है कल्याण का। कितनी अहिल्या कितने विभीषण का करना है उद्धार। कितनी अहिल्या और कितने विभीषण का करना है उद्धार। सोचती हूँ फिर राम भरोसे रहूँ। सोचती हूँ फिर राम भरोसे रहूँ। प्रतीक्षा करूँ राम राज्य के स्वप्न बुनूँ। राम राज्य के स्वप्न बुनूँ। क्या फिर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। क्या फिर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। वाह वाह। बंदिशी अल्फाज जड़ने से नगो के कम नहीं। बंदिशी अल्फाज जड़ने से नगो के कम नहीं। शायरी भी काम है आतिश बुरशा साज का। शायरी भी काम है आतिश बुरशा साज का। ऐसे ही खूबसूरत ख्यालों की और जज्बातों की नक्काशी हमारी सखियां आज कर रही हैं। अभी बहुत खूबसूरत माहौल हमारी सखी मंजुल बना करके गई है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना टूटा फूटा सा कुछ कलाम आप लोगों के बीच में रख देती हूँ। चार चार मिसरों से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी कि लब्बे शिकवा गिला नहीं आता। लब्बे शिकवा गिला नहीं आता। गुफ्तगु में मजा नहीं। वाह वाह भाई वाह। लब्बे शिकवा गिला नहीं आता। गुफ्तगु में मजा नहीं आता। आईना साज बन गए हो मगर। आईना साज बन गए हो मगर आईना देखना नहीं आता। आईना साज बन गए हो मगर आईना देखना नहीं आता। और चार मिसरे ये भी मुलाहिजा फरमाए कि उनकी समझ के आहटे हम मुस्कुरा दिए। उनकी समझ के आहटे हम मुस्कुरा दिए। जितने मिले थे हिजर में गम मुस्कुरा दिए। वाह वाह भाई वाह। उनकी समझ के आहटे हम मुस्कुरा दिए। जितने मिले थे हिजर में गम मुस्कुरा दिए। सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांध कर। सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांध कर। होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। वाह वाह भाई वाह। होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। यही से एक गजल के चंद अशआर भी मुलाहिजा फरमाए कि मौजे दरिया दिखी बेसहारा मुझे। मौजे दरिया दिखी बेसहारा मुझे। रूठा रूठा लगा है किनारा। वाह वाह भाई वाह। मौजे दरिया दिखी बेसहारा मुझे। रूठा रूठा लगा है किनारा मुझे। इल्म की रोशनी की रिदा सर्प है। रिदा कहते ओढ़नी। इल्म की रोशनी की रिदा सर्प है। देखता है हसद से सितारा मुझे। वाह वाह भाई वाह। क्या बात है वाह। इल्म की रोशनी की रिदा सर्प है। देखता है हसद से सितारा मुझे। और दिल के एहसास ने खुदकुशी कर ली है। दिल के एहसास ने खुदकुशी कर ली है।
गैरों की तरह उसने पुकारा मुझे। वाह भाई वाह, दिल के एहसास ने खुदकुशी कर ली है, गैरों की तरह उसने पुकारा मुझे। ना खुदा अपना एहसान रहने दे अब, ना खुदा अपना एहसान रहने दे अब, दे रहे हैं तला तुम सहारा मुझे, दे रहे हैं तला तुम सहारा मुझे। और एक शेर ये भी कि इश्क उनसे ना करती तो करती भी क्या। वाह वाह भाई वाह, इश्क उनसे ना करती तो करती भी क्या, माँ सिवा कोई था और चारा मुझे। इश्क उनसे ना करती तो करती भी क्या, माँ सिवा ना था कोई भी चारा मुझे। और शेर आखिर की, ख्वाब एक चुभ रहा है मेरी आंखों में, ख्वाब एक चुभ रहा है मेरी आंखों में, अश्कों में दिखती है खून की धारा मुझे, अश्कों में दिखती है खून की धारा मुझे, मौजे दरिया दिखी बेसहारा मुझे, रूठा रूठा लगा है किनारा मुझे। और यहीं से एक गजल के चंद अशआर और मुलायजा फरमाए कि हमारी सखी बिजल ने भी अभी बाग बगीचों की और बड़ी बात की, गुलशन की मैं बात करती हूँ, यहाँ से बादलों की भी बहुत बात हुई है हमारे मंच से, वहीं से मैं उसी तरह के कुछ ख्याल आप लोगों के सामने रखती हूँ कि गुलशन को जाती राह गुजारों का क्या करूँ, गुलशन को जाती राह गुजारों का क्या करूँ, मुरझाए गुल है मुर्दा बहारों का क्या करूँ। वाह वाह भाई वाह, गुलशन को जाती राह गुजारों का क्या करूँ, मुरझाए गुल है मुर्दा बहारों का क्या करूँ, दामन में मेरे आब है तूफान है बर्क है, दामन में मेरे आब है तूफान है बर्क है, मैं हूँ घटा में चांद सितारों का क्या करूँ। वाह वाह भाई, दामन में मेरे आब है तूफान है बर्क है, मैं हूँ घटा में चांद सितारों का क्या करूँ। और एक शेर ये भी कि दिल में मकी उसे मैं रखूँ भी तो किस जगह, मकी रहने वालों को कहते हैं कि दिल में मकी उसे मैं रखूँ भी तो किस जगह, हसरत की फिर तमाम मजारों का क्या करूँ, दिल में मकी उसे मैं रखूँ भी तो किस जगह, हसरत की फिर तमाम मजारों का क्या करूँ। और एक शेर ये भी कि तेरा हिमायती जो था वो दिल ही मर गया, तेरा हिमायती जो था वो दिल ही मर गया, फरियाद का अब तेरी पुकारों का क्या करूं, फरियाद का अब तेरी पुकारों का क्या करूं। और एक शेर ये भी कि हर बात पर खफा खफा हर बात पर गिला, हर बात पर खफा खफा हर बात पर गिला, किस्मत से रूठे वक्त से हारों का क्या करूं, किस्मत से रूठे वक्त से हारों का क्या करूं, गुलशन को जाती राह गुजारों का क्या करूं, मैं हूं घटा में चांद सितारों का क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं से मैं हमारी अगली साथी जो है उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगी। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, हमारे दरबार में एक ऐसी हमारी आज साथी है जो महिला दरबार चलाती है, महिलाओं का पहला उन्होंने एक मंच मुंबई में तैयार किया था, उसके बाद महिलाओं के बाकी के मंच बने हैं, हमारी प्यारी सखी शुभ कीर्ति महेश्वरी। मेरे ख्याल से 25 साल करीब हो गए, 12 साल से वो महिला दरबार चला रही हैं। और मुंबई की सभी महिलाओं को, चाहे वो नई सीखने वाली हो या वो स्थापित कवित्री हो या शायरा हो, सबको उन्होंने अपने मंच से पढ़ने का मौका दिया है और महिला साहित्यकाराओं के साथ जोड़ा है। ये बहुत अच्छी पहल थी, बहुत खूबसूरत उनका प्रयास था। और इसके साथ वो बड़ी अच्छी गृहस्थिन भी है और बहुत अच्छी साहित्यकारा भी है। और लेकिन महिलाओं में जैसा आमतौर पर कम होता है, वो देशभक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना कलाम कहती है, बाकी जो महिलाओं के जो विषय होते हैं उनको तो वो अपने विषय में शामिल रखती ही है। उनके लिए मैं ये दो मिसरे पढ़ना चाहूँगी कि गुस्सा करना हंसना रोना प्यार जताना आता है, गुस्सा करना हंसना रोना प्यार जताना आता है, एक औरत को सारे रिश्ते खूब निभाना आता है, एक औरत को सारे रिश्ते खूब निभाना आता है। आइए सुनते हैं हमारी प्यारी सखी शुभ कीर्ति महेश्वरी को। मंच को नमस्कार और सभी कवियत्रियों को मेरा प्रणाम। अलका जी आपको विशेष धन्यवाद और आपका शुक्रिया। अभी अभी कुछ दिन पूर्व, 2 या 4 दिन की बात होगी, बेटियां
बेटी दिवस की बात होने वाली है और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये सब बातें हो रही है। बेटी एक सितारा है जिसे चलो हम तोड़ कर लाते हैं चार लाइन में एक मुक्तक के द्वारा। चलो ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं, चलो ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं, आकाश गंगा के भी पार जाएं, कोई दिव्य ज्योति वहाँ जल रही है, चमकता सितारा चलो तोड़ लाएं, चमकता सितारा चलो तोड़ लाएं। और उस आकाश गंगा से हमने एक सितारा लेकर आए हैं, वो है बेटी और बेटियां। तो बेटियों के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ चंद लाइनें आपके सामने पेश करती हूँ। बेटियां इम्तिहान होती है, बेटियां इम्तिहान होती है, एक नहीं दो दो कुल की शान होती है, बेटियां इम्तिहान होती है, अपने घर की रानी और बहू रानी होती है, अपने घर की रानी और बहू रानी होती है, रिश्तों का वो है खजाना खानदानी होती है, रिश्तों का वो है खजाना खानदानी होती है, चेहरे की मुस्कान और सम्मान होती है, चेहरे की मुस्कान और सम्मान होती है, पंख परियों के लगाओ रान भरती है, पंख परियों के लगाओ प्राण भरती है, बेटियां इम्तिहान होती है, बेटियां इम्तिहान होती है, होली की रोली दिवाली की रंगोली है, होली की रोली दिवाली की रंगोली है, द्वारे द्वारे लक्ष्मी बनकर दान देती है, हंस और वंश दोनों की बपोती है, अंश और वंश दोनों की बपोती है, रिश्तों को रोशन करे वो ऐसी रोशनी है, रिश्तों को रोशन करे जो ऐसी रोशनी है, बेटियां इम्तिहान होती है, बेटियां इम्तिहान होती है, एक नहीं दो दो कुल की शान होती है, बेटियां इम्तिहान होती है। नमस्ते। अब आज के हालात देश के जो हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं और उसकी चर्चा करना भी बहुत ही जरूरी समझे कि बिल्कुल जरूरी है आज के हालात की चर्चा। तो देश के जो हालात हैं उसको लेकर हर तरफ चिंता बनी हुई है, सिर्फ हमारे मन में नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक ये हालात। तो ऐसी ही एक रचना आपके सामने पेश करते हैं। देश के हालात आज
ऐसे हो गए, देश के हालात आज ऐसे हो गए कि राम और कृष्ण के भी होठ सिल गए और हम सभी के शीश शर्म से झुक रहे कि देवगण मुनिगण कुछ न कर सके, कि देवगण मुनिगण कुछ न कर सके। यहाँ मेरा मतलब है पीएम, सीएम और पब्लिक नेता जो है वो कोई भी मिलके कुछ नहीं कर पा रहा है। देश के हालात आज ऐसे हो गए, राज राम को मिला सीता हरण हुआ, राज राम को मिला सीता हरण हुआ और तीर हरण पांडवों के राज्य में हुआ और कलयुग में गैंग रेप भी ये हो रहा, और कलयुग में गैंग रेप भी ये हो रहा। संभवामि युगे युगे युग बदल रहा, संभवामि युग बदल रहा। देश के हालात आज ऐसे हो गए, सरकार और पुलिस रक्षा करती है समाज की, असफल क्यों हो रही है जांच हो इस बात की, असफल क्यों हो रही है जांच हो इस बात की। न्याय की आंखों पे पट्टियां बंधी सदा, न्याय की आंखों पे पट्टियां बंधी सदा, इसलिए अन्याय का पलड़ा झुका हुआ, इसलिए अन्याय का पलड़ा झुका हुआ। देश के हालात आज ऐसे हो गए, कानून अंधा हो गया सरकार बहरी है, कानून अंधा हो रहा सरकार बहरी है, आवाज जो भी उठ रही वो भी तो गूंगी है, आवाज जो भी उठ रही वो भी तो गूंगी है। तीखी बहस है जहर पे जहर का दौर है, तीखी बहस है जहर पे जहर का दौर है, दिशा नहीं दुर्दशा का घटा टोप है, दिशा नहीं दुर्दशा का घटा टोप है। देश के हालात आज ऐसे हो गए कि राम और कृष्ण के भी होठ सिल गए, हम सभी के शीश शर्म से झुक रहे कि देवगण मुनिगण कुछ न कर रहे, कि देवगण मुनिगण कुछ न कर रहे। देश के हालात आज ऐसे हो गए। देशभक्ति के बहुत खूबसूरत गीत से आज की इस महफिल को बहुत खूबसूरत समापन हमारी साथी शुभ कीर्ति महेश्वरी जी ने दिया है। उससे पहले भी उन्होंने जो बेटियों के बारे में एक गीत पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत गीत था, पीटी उषा और पीटी उषा हिमा साईमा बन के रचे इतिहास, पीटी उषा हिमा साईमा बन के रचे इतिहास, कोई कल्पना हो साकार कभी छूती आकाश, घर का अभिमान है बेटी देश की शान है बेटी। वाकई देश में हमारी बेटियां बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं और इसीलिए आज हमने महिलाओं की भी एक महफिल सजाई हुई थी यहाँ पर। अब इस महफिल का हम इख्तिताम यहीं करते हैं। आप हमारे साथियों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आदरणीय सीमा साहिबा, आदरणीय शुभ कीर्ति साहिबा, आदरणीय रजिया जी, हमारी साथी मंजुल जी, बिजल साहिबा और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे विदा लेने से पहले एक इल्तिजा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमें, और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि हम बार बार आपसे मिलते रहें। नमस्कार।